देखिए 2020 के भय से मुक्त होकर 2021 में एक नए उत्साह, नए उमंग के साथ बजट सत्र में लोग भाग लेंगे। लेकिन सतर्कता और सावधानी के साथ हम लोगों ने आग्रह किया है और हमने कहा है कि हर पिछली दुखद घटना को भूलनी नहीं चाहिए, उससे सावधान सतर्क होकर बेहतर कदम बढ़ाने के लिए हम लोग सदन के अंदर स्वस्थ परिचर्चा में भाग लेंगे। पूरा बिहार पूर्णतः स्वस्थ हो, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। सर, क्या इस बार का बजट कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएगा या क्या कुछ अलग रहेगा? देखिए, वो सरकार का पक्ष है, सरकार निर्णय लेगी अपने स्तर से और हम उम्मीद करते हैं कि डिजिटल इंडिया का पार्ट से कोई अब अछूता नहीं रहा है। हर लोग कदम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग उसमें पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। एक सवाल और सर, कल आपने विशेष निर्देश दिया अधिकारियों को कि जो माननीय हैं उनकी बातों को आराम से सुने, समझें और जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो बिल्कुल किया जाए, इस पर सजानना चाहेंगे? देखिए, ये संविधान के अंदर जो प्रावधान है, विधान बनाने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं, हजारों और लाखों के विश्वास को लेकर आता है और उतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए और लोक सेवक को हमेशा सेवा भाव से जनता के प्रति, जन प्रतिनिधियों के प्रति समर्पित रहना चाहिए संविधान के दायरे में। और कुछ लोगों का अगर जो ये मन के अंदर आ जाता है कि हम अभिजात्य वर्ग हो गए हैं, तो उनको ये आभास कराना जरूरी है कि आप लोक सेवक हैं, जनता मालिक है, आप मालिक नहीं हैं। इसलिए हमने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि सभी को पत्र देकर, बहुत सारे नए लोग भी आए हैं, जानकारी का भी अभाव है, तो सभी को आप ये बता दें कि हर प्रोटोकॉल के तहत अपनी अपनी सीमा रेखा को जानें और उसके तहत कार्य करें। बजट सेशन को लेकर सर, वैसे तो हम लोगों ने कई बार कवर किया है, लेकिन इस बार कुछ सुरक्षा, कुछ विशेष निर्देश जो है इस तरह का आया था अखबारों में भी, बताइए। देखिए, आप लोगों को असुविधा न हो और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी खामी न रह जाए, ये सावधानी आवश्यक है।